चौदह पंद्रह सोलह कुणाल फुटबॉल का प्लेयर रहा है ना। 30 मिनट का इसका कंटिन्यू दौड़ है। 40 फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था। 40 तक गया। 50 हो गया। हो गया ठीक खेलोगे ऐसे ना एक अपराधी को जब सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में बंद किया जाता है तो उसके जीवन की कल्पना आप कैसे करते हैं कि वो बहुत ही कठिन जीवन जेल में जी रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये आपका भ्रम है। दरअसल बड़े ही आराम से ये अपनी जिंदगी जीते हैं और दूसरे कैदी से रंगदारी भी मांगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। पटना के बेऊर जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कैदी दूसरे कैदी से उठक बैठक करवा रहा है और उसे रंगदारी की मांग कर रहा है। राजधानी पटना के बेऊर जेल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान के दौसा के रहने वाले साइबर अपराधी कुणाल शर्मा से जेल में ही बंद अपराधी कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह द्वारा उठक बैठक कराई जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जेल के अंदर अपराधी कैसे शानो शौकत के साथ जिंदगी जी रहे हैं, बाहर की ही तरह अंदर में भी खूब मस्ती कर रहे हैं, जो कि वीडियो का बैकग्राउंड बहुत कुछ कह रहा है। वायरल वीडियो में साइबर अपराधी कुणाल शर्मा से उठक बैठक करवाने की वजह यह बताई जा रही है कि जेल में ही बंद अपराधी कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह ने कुणाल शर्मा के परिवार से जेल में ही रहकर रंगदारी की मोटी रकम की मांग की थी। रकम नहीं मिलने पर उसकी पिटाई करवाई गई, उससे सरेआम उठक बैठक करवाया गया। सोर्स के अनुसार वीडियो वायरल करने वाला सुबोध सिंह अपने मोबाइल से कुणाल शर्मा को उसके परिवार वालों से बात करवाता था। वो जेल में ही कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता था। दावा है कि सुबोध सिंह ने पहले उसके परिवार से 40 लाख की रंगदारी की डिमांड की थी, जो कि बाद में 10 लाख पर आ गई। बता दें कि वीडियो में उठक बैठक करता दिख रहा कुणाल शर्मा के ऊपर देश के कई शहरों में साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। पिछले साल 26 जून को पटना पुलिस ने इसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इधर वीडियो वायरल होते ही सुबोध सिंह को वार्ड संख्या 322 से हटाकर कारा प्रशासन द्वारा 2 नंबर सेल में डाल दिया गया है। वार्ड संख्या 324 का टीवी हटाकर 322 में लगा दिया गया है। सुबोध सिंह का म्यूजिक सिस्टम भी जब्त कर लिया गया है। उसके वार्ड 322 को सोमवार को दूसरे रंग से पेंट भी करवा दिया गया। हालांकि इस मामले में जेल आईजी मिथिलेश मिश्र के आदेश पर टीम बनाई गई, जो कि इस मामले की जांच कर चुकी है। वीडियो की पुष्टि भी हो चुकी है। इस बाबत अब जेल सुपरिटेंडेंट से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आईजी ने सुपरिटेंडेंट से पूछा है कि आखिर जेल में अपराधी सुबोध सिंह के पास मोबाइल कहां और कैसे पहुंचा, इसकी भनक जेल प्रशासन को कैसे नहीं लगी। इन सवालों का जवाब सुपरिटेंडेंट को अब हर हाल में देना होगा। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो जेल प्रशासन पर भी उठ रही है। ये कि आखिर अपराधियों के पास स्मार्टफोन आया कहां से, जेल के अंदर कैदियों के पास फोन देने का साहस किसने किया। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जेल नहीं कोई घर है। तो सवाल ये है कि आखिर जेल में इतना आराम कैदियों को क्यों दिया गया। और आखिरी सवाल, इन सबका जिम्मेदार कौन है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।